एयरचीफ जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर पहुंचा पालम एयरपोर्ट। पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुख रात 9 बजे पहुंचेंगे एयरपोर्ट। सीडीएस रावत को देंगे श्रद्धांजलि। 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाकर घर वापसी करेंगे किसान। देश भर से सभी मोर्चे हटाने का ऐलान। ओमिक्रॉन खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला, 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रोक जारी। मुंबई एयरपोर्ट पर नए साल से पहले पकड़ा गया 35 किलो नशीला जहर। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। बलरामपुर में 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम के आगमन स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आगमन स्थल का निरीक्षण किया। हालांकि अपने निर्धारित समय से करीब 1 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंचकर योगी ने सर्वप्रथम मंच और मॉडल हाउस का निरीक्षण किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके पेयजल और स्वच्छता हेतु मंडला आयुक्त को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसर में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम भी होने चाहिए। आगमन स्थल पर मंच व्यवस्था, मॉडल हाउस, जनसभा स्थल और परिसर में बने मार्गों का भी निरीक्षण किया। का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के दृष्टि से स्थलीय निरीक्षण किया है और बहुत सारे निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले सरयू बैराज पर, उसके बाद राप्ती बैराज पर, जो बरसों से लंबित परियोजना थी, उस परियोजना को युद्ध स्तर पर काम करके जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है, सबसे पहले उन कार्यों के निरीक्षण करने के लिए उन्होंने जा कर के स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद कार्यक्रम स्थल पर आ कर के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के उपरांत हमारे चारों जिले के सभी आदरणीय विधायकगण, सांसदगण, जिला अध्यक्ष, संगठन और जनप्रतिनिधि और जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर, आईजी, एडीजी, सबकी मीटिंग लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे बिंदुओं की तरफ सबके ध्यान आकर्षित किया और उनको निर्देशित किया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बलरामपुर की धरती पर हो रहा है। इस दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का अभी कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ है। उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है कि हम स्वच्छता और सुरक्षा, इन दोनों पर विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई हमारा कार्यकर्ता या कोई भी आम जनता किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बाधा उत्पन्न ना हो कि जिससे वो अपने गंतव्य स्थान पर ना पहुंच पाए। इस दृष्टि से पार्किंग और यातायात की व्यवस्था के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी और अधिकारियों को भी निर्देशित किया। रामपुर जनपद के पावन धरती पर 11 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। आपको बता दें, सरयू नहर परियोजना जो दशकों से पड़ी आ रही थी, उसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर जनपद के हसुआ डोल गांव के पास से करेंगे, जहां इसकी तैयारी एक सप्ताह से करने में अधिकारी और मंडल के अधिकारी लगे हुए थे। यहां हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां तैयारियां जोरों से चल रही है और आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं सुबह के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आए हुए थे, जहाँ इसका निरीक्षण करके गए हुए हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि जो भी व्यवस्थाएं आला अधिकारी कर लें, क्योंकि भीड़ आने की संभावना 2 लाख है और किसी भी को कोई भी तकलीफ ना हो, उन्हें पेयजल की शुद्ध व्यवस्था हो और उन्हें जो अभियान के तहत यहां पर शौचालय या और जो चीज़ें हैं ऐसी उपलब्ध हों और कोई चीज़ की उन्हें दिक्कत ना हो। बलरामपुर से प्राइम टीवी, अमित कुमार, उत्तर प्रदेश। अंबेडकर नगर में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पहुंचे, जहां उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और अपने भाषण में हिंदूवादी छवि को मजबूत करने का प्रयास करते दिखे। जलालपुर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने 57 लाख की परियोजना का लोकार्पण किया। योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपे।
आज इतना बड़ा जनसमूह यहाँ पर एकत्रित हुआ मात्र दो दिन के नोटिस पे, अभी परसों ही ये तय हुआ कि हमको यहाँ पर आना है। और आज ये हजारों हजार का जो जनसमूह है वो निश्चित रूप में मोदी जी और योगी जी के जो विकास कार्यों के प्रति स्वीकारोक्ति है और लोगों का सहज भाव में प्रदेश सरकार के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास है। आज जहाँ पर विपक्ष जाति संप्रदाय और क्षेत्र की राजनीति कर रहा है, वहीं भाजपा की सरकार और भाजपा के संगठन विकास की बात कर रहा है। हमारा चुनाव का मुद्दा विकास है और हमने जितने संकल्प लिए थे उन संकल्पों को न केवल पूरा किया है बल्कि उनसे कई गुना ज्यादा काम। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर मिर्जापुर के जीडी बिनानी पीजी कॉलेज और केजी कॉलेज के छात्र नेता 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बैठकर विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छात्रों का आरोप है कि प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ, तब कोरोना नहीं था और छात्र संघ के चुनाव के लिए जिला प्रशासन को कोरोना लग रहा है। छात्र चुनाव कराने के जिद पे अड़े हैं और कलेक्ट्रेट कैंपस में 3 दिनों से धरना कर रहे हैं। मामला ये है कि विगत 4 महीने से झासंग जिन्हें लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, आए दिन डीएम साहब को प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन देने आ रहे थे। उनको बगलाया जा रहा था कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, फर्स्ट ईयर का आगे, सेकेंड ईयर का नहीं आया, थर्ड ईयर नहीं आया। जब एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो गई, जब ये झासंग के लोग मैम से बात करने गए, डीएम साहब से बात करना चाहते, जो कि डीएम साहब से मुलाकात नहीं पा रही, जब मैम से बात करा तो मैम ने सीधे से कह दिया कि हम चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। इसको लेकर के 48 घंटे से केबी कॉलेज के छात्र नेता, बिनानी कॉलेज छात्र नेता अनशन बैठे हुए हैं। पर आप देख सकते हैं जिला प्रशासन द्वारा काले प्रशासन किस तरह की रवैया अपनाई गई है कि काले कल ठंड कितनी तेज है परंतु उनको किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई। रामचंद्र, रमाशंकर, शुभम गुप्ता 3 लोग बीमार हो गए और जिला प्रशासन के लोग उनको देखने तक नहीं गए। इसके लेकर हम आज डीएम साहब से मिलने आए और सर को हम बताना चाहते हैं, चेतावनी भी देना चाहते हैं कि सर अगर हम लोग को डेट, जब तक डेट नहीं मिलेगा हम लोग हटेंगे नहीं। आज आपको ज्ञापन देने आए हैं, हम लोग ज्ञापन देने के बाद पुनः फिर बिनानी कॉलेज में जाकर शांति के धरने में बैठेंगे। जब तक हम लोग को डेट नहीं मिलेगा आवरण अवसर चलता रहेगा। हमारी मांगे हैं कलेक्ट्रेट आज बैठे, आज नहीं हम लोग परसों से बैठे कॉलेज के अंदर, सभी छात्र छात्राएं दोनों महाविद्यालय के, केवी कॉलेज और बिनानी कॉलेज, सभी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे चुनाव के लिए और कल से कोई सुविधा नहीं दी गई। बच्चे रात भर ठंड में बैठे रह गए, न कॉलेज प्रशासन कॉलेज के अंदर ये लोग गेट खोल के नहीं बैठे थे, कॉलेज कैंपस के बाहर सभी बच्चे बैठे थे। इतनी ठंडी थी रात में, न आग की सुविधा दी गई। ये तीन बच्चे हैं जिनको ठंडी लगी, रात में लैट्रिन हो रहा था, पेट दर्द करता, जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, वहाँ पे इनकी दवा दारू चल रही थी। इसके बाद यहाँ पे यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन आज लखनऊ में किया गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षक के तमाम शिक्षक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोत्तर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में सम्मिलित हुए और शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिवर कार्यालय में अपनी मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना किया। धरने के माध्यम से कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख समस्याओं के बारे में बताया। धरना देने वाले शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की मांग की गई। इसी के साथ लंबित मामलों को दूर करने की मांग भी की जा रही है। इसी के साथ लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में सरकार को काफी ज्यादा नुकसान होगा। हम शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकतर कर्मचारी, जिसमें लिपिक एवं चतुर श्रेणी संवर्ग के साथ ही हमारे आते हैं, हम लोग अपनी प्रमुख मांग योग्यताधारी शिक्षकतर कर्मचारियों की शिक्षक पद पर पदोन्नति की जाए, 300 दिनों के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जाए, प्रबंध समिति में भागीदारी की जाए, चिकित्सीय भत्ते की सुविधा बीमारी पे दिया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन की सुविधा हम लोगों को प्रदान की जाए, इसके अतिरिक्त पदोन्नति पे 22B का लाभ दिया जाए, हाई स्कूल के जो हमारे विद्यालय हैं उनको इंटरमीडिएट के विद्यालयों के समान, जो सहायक लिपिक हैं इंटरमीडिएट के उनके समान वेतनमान दिया जाए, साथ ही नियुक्तियों पे लगी रोक, जो चतुर श्रेणी संवर्ग की नियुक्तियों पर रोक लगी है उसको हटाया जाए, आदि मांगों को लेकर हम लोग यहाँ एक चेतावनी के रूप में, हम ये चेतावनी धरना प्रदर्शन जो कि हमारे सिर्फ जनपद के पदाधिकारी यहाँ एकत्र हुए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं और सरकार को चेतावनी दे।
बलिया में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मंच पर आते ही सीडीएस रावत की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की और सबने दो मिनट का मौन रखा। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाथी पर लक्ष्मी नहीं आती, साइकिल और हाथ के पंजे पर भी नहीं, लक्ष्मी हमेशा कमल के फूल पर आती है। इसलिए आप लोग भी मिशन 2022 में कमल का फूल खिलाएं। आगे कहा कि पहले इस यूपी में रोज दंगे होते थे, रोज बम फटते थे, और जब से योगी जी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। स्कूटी को लोग रोक लेते थे, शिक्षिका पढ़ानी चाहती थी तो स्कूटी छोड़ा लेते थे। पश्चिमी उत्तर गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बलिया से बिजनौर तक, लेकिन योगी शासन आने के बाद किसी बेटी का, योगी सरकार में कोई बेटी अब 12 बजे रात में भी चाय पीने जाएगी, किसी रेस्टोरेंट से लखनऊ और बलिया से निकलेगी तो कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है। मित्रों, ये पहली बार ऐसा। सपा के प्रबुद्ध सभा में बलिया के लोगों ने 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए संकल्प लिया है। प्रबुद्ध वर्ग की तरफ से विधिवत गंगा के घाट पर जनेऊ का पूजन भी किया गया। प्रबुद्ध सभा में मंच से पूर्व मंत्री ने कहा कि मां और बहन चूड़ी भी लाल है और सिंदूर भी लाल होता है। नौजवानों की आजादी से पहले झंडा भी लाल होता था, जो क्रांति की पहचान होता था। वहीं दूसरी तरफ मंच ने यह भी कहा कि 2022 में बीजेपी सरकार हटा देंगे। एमएसपी के लिए जो है दर दर भटक रहा है, उसे कोई भी समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई। शिक्षा के मामले में सरकार फिसड्डी हो गई, दवा के नाम में सरकार फिसड्डी हो गई, किसानों के सवाल पर फिसड्डी हो गई। ये सरकार चारों तरफ से जो है फेल हो चुकी है। आज जो है प्रबुद्ध वर्ग ने जो है बलिया जनपद से इसकी शुरुआत किया है कि हम प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो है इस बात का संकल्प लेते हैं कि सत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, झूठ बोलने वाले लोगों की सरकार को जो है हम हटाने के लिए गंगा के किनारे जो है। देखिए, जब हम समाजवादी प्रबुद्ध सभा की तरफ से तत्वाधान में कार्यक्रम था, एक प्रबुद्ध समाज के लोग जो पीड़ित हैं, जो इतने दिनों से 5 सालों में सह रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, उस घुट घुट के जीने के मोक्ष प्राप्ति के लिए जब हम माँ गंगा के पास आए, तिलांजलि का कार्यक्रम इसको समझ लीजिए कि जब आदमी खत्म हो जाता है, मर जाता है, तब हम उसको ला के यहाँ जला फूक के तिलांजलि देते हैं। उसी तरह से हम लोग आज एकत्रित हुए प्रबुद्ध समाज के लोग, जो एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तिलांजलि देने का काम करने आए हैं यहाँ पे, माँ गंगा का स्नान करके, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की तिलांजलि करेंगे और 2022 में हमारे शानदार जानदार। रायबरेली में भाजपा के मंत्री मोती सिंह ने विवादित बयान दिया है। मंत्री मोती सिंह ने अखिलेश यादव को औरंगजेब बताया और इस बयान के बाद कई लोगों ने उन पर हमला भी किया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा विकास कर रही है, आगे भी विकास करेगी। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में आगामी चुनाव ज्यादा सीटों से जीतेगी। इसके अलावा उन्होंने जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। विकास किया, हम विकास करेंगे। बहुमत की सरकार 4.5 वर्ष से चला रहे हैं, 2022 में उससे ज़्यादा बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। विपक्ष के लोग, और विपक्ष में मैंने अभी कहा ना, औरंगजेब साहब का नाम लिया, शाहजहां का नाम लिया, तो हम तो राम की संस्कृति के हैं। जो राजा दशरथ की आज्ञा पर अपने राजपाट को छोड़कर 14 वर्ष तक वन में रह सकते, और औरंगजेब ने शाहजहां जैसे खूबसूरत दिल के आदमी को, जिसने अपनी पत्नी की मोहब्बत में अपने जीवन की सबसे खूबसूरत इमारत बनाई, जिसे उनकी औलाद ने उसे देखने नहीं दिया, वही हाल तो हमारे। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पराडे ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बताया कि देश भर में 14 दिसंबर को गीता दिवस है, जिले शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, और 23 दिसंबर को धर्म रक्षा दिवस भी मनाया जाएगा। आगे उन्होंने ये भी बताया कि जैसे वसीम रिजवी हिंदू धर्म में आए उनका स्वागत है, वैसे ही हिंदू धर्म के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो आता है VHP उनका स्वागत करेगी। उन्होंने आगे अपील करते हुए कहा कि मंदिरों को सरकार के कब्जे से मुक्त होना चाहिए।
मैनपुरी के बेवर थाना नबीगंज क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर भटपुरा में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने तोड़कर गिरा दिया। जानकारी मिलते ही दलित बस्ती के लोग आक्रोशित हो गए। मूर्ति टूटने की जानकारी लगते ही मौके पर बेवर थाना प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। थाना प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा ने कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। वहीं बताया गया कि श्यामपुर भटपुरा में स्थित अंबेडकर की मूर्ति को रात में किसी अराजक तत्वों ने चबूतरे से तोड़कर गिरा दिया। सुबह पहुंचे ग्रामीण लोगों ने देखा तो अंबेडकर की मूर्ति टूटी हुई गिरी पड़ी थी। ये काम जिस किसी ने भी किया है बहुत ही घिनौनी हरकत है और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि तत्काल अपराधी चाहे कोई भी हो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोग पूरी जिला कमेटी के लोग इस मामले को लेकर अभी डीएम और कप्तान साहब से भी मिले हैं। बीती रात यहाँ पे एक तालाब के किनारे अंबेडकर प्रतिमा स्थापित थी जिसे कुछ अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सुबह सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर है और शांति व्यवस्था है, विधिक कार्रवाई की। मिर्जापुर के बरकच्छा स्थित दक्षिणी परिसर में अमृत महोत्सव समिति की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने रंगोली बनाकर भारत माता को नमन किया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ विश्वविद्यालय परिसर में चक्रमण कर अपने देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए अमृत महोत्सव के सूत्रधार अमर शहीदों को नमन किया गया। तिरंगा यात्रा में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संभल में नम आंखों से सीडीएस जनरल विपिन रावत पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एनसीसी कैंडिडेट्स ने राष्ट्रीय सम्मान के तहत भारतीय सैनिक सम्मान के साथ उनको शहीद को सलामी दी। प्राचार्य डॉक्टर विपिन कुमार यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। एनसीसी ऑफिसर रिंकू सिंह कटारिया ने पूरे सैनिक सम्मान के तहत यूनिट के साथ सैल्यूट किया। इस दौरान उपप्रबंधक महोदय मुकेश कुमार और स्काउट प्रभारी सौरभ त्यागी ने भी पुष्प अर्पण किया। इस दौरान सभी कैंडिडेट्स ने पूरे सैन्य समाज के साथ सम्मान के साथ भारत के इस महानायक को अलविदा कहा। खबर औरैया से है जहां सोलर पैनल के नाम पर ईंट पत्थर और कबाड़ भेजे गए। कोतवाली सभागार में जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि अशोक बाबू वर्मा निवासी आनंद बैटरी तिलक नगर ने सोलर पैनल खरीदने के लिए एसए इंटरप्राइजेस के मालिक लईक अहमद और नफीस अहमद से संपर्क किया। बातचीत में जरूरी सोलर पैनल के एवज में पीड़ित अशोक बाबू से 74,750 रुपए की बात हुई, जिस पर अशोक बाबू ने निर्धारित धनराशि नेफ्ट के माध्यम से लईक और नफीस के बताए गए बैंक खाते में 2 दिसंबर को भेज दी। बताया कि रुपए पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों ने सोलर पैनल के नाम पर 13 गत्तों में ईंट पत्थर कबाड़ का सामान भेज दिया। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम सक्रिय हो गई है। इनकी एक आनंद बैटरी सर्विस तिलक नगर औरैया के नाम से कंपनी है और ये लोग कई वर्षों से बैटरी का काम कर रहे हैं, इन्वर्टर का काम करते हैं। इनको सोलर पैनल की कुछ आवश्यकता थी जिसके लिए इन्होंने संपर्क किया तो इनके जान पहचान में एक लईक अहमद नाम के व्यक्ति थे, लईक अहमद एवं नफीस अहमद। इनसे बात करी, इनको बताया तो ये ऐसे एंटरप्राइजेस करके इनकी एक कंपनी कानपुर में चलाते हैं। इनसे इनकी डील हो गई थी सोलर पैनल देने के लिए, लेकिन सोलर पैनल ना दे करके जो कि 74,750 रुपए के सोलर पैनल इनको दिए जाने थे वो सोलर पैनल नहीं दिए गए। उसके एवज में इन्होंने 13 गत्ते ईंट पत्थर और जो कबाड़ का सामान होता है वो भर करके भेज दिया था। जब यहाँ पर अशोक बाबूजी को ये जानकारी हुई, इन्होंने पुलिस रायबरेली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इंटर कॉलेज से लेकर डिग्री कॉलेज तक कई ऐसी समस्याएं हैं जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए घेराव किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जितने भी जिले में महाविद्यालय और इंटर कॉलेज है वहां पर ना तो साफ सफाई रहती है ना ही सुचारू रूप से शौचालय का रखरखाव होता है। विद्यालय में चलने वाले वाहन जिसके चालक और परिचालक का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है ना ही उनका ड्रेस कोड होता है,
अपनी कई समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आज हम लोग डीएम कार्यालय का घेराव करने आए हैं क्योंकि रायबरेली जिले में विद्यार्थियों के बहुत विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर जिला प्रशासन कभी संज्ञान में नहीं लेता है ना उस पर कोई कार्रवाई करता है। जैसे छात्र छात्राओं के महाविद्यालय से जुड़े मुद्दे हों, पेयजल की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, या छात्रा बहनों की जो अपनी निजी समस्याएँ होती हैं उसको लेकर भी कोई नहीं है। ना कैंटीन है महाविद्यालयों में, ना विद्यालयों में, ना वहाँ के ड्राइवर जो वाहन चालक है ना उनके ड्रेस कोड निर्धारित है, ना उनका लाइसेंस नंबर कभी चेक किया जाता है। जैसे विभिन्न मुद्दे हैं जिनको। जहां एक ओर गोवंश को राष्ट्रीय पशु बनाने की जनता के द्वारा मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ के तहसील अतरौली क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा गोवंशों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील अतरौली के पाली थाना क्षेत्र के गांव लास्की के पास बाग का है, जहां आधा दर्जन गोवंशों के शव की सूचना पाकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि इन गायों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं अलग जगह पर गाय को मारकर यहां पर फेंका गया है। इतनी गायों के मरने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। मौके पर थाना अध्यक्ष राम वकील ने एसडीएम रविशंकर सिंह प्रशासन सहित पहुंचे। उन्होंने मृतक गौवंशियों को जेसीबी मशीन मांगा कर तुरंत दफना दिया और वहां से कुछ सैंपल नमूने लिए। अर्ली मॉर्निंग जो है किसी किसान ने जो है मुझे सूचना दी थी कि उनके एक बाग में लास्की से आगे एक किसान का बाग है, बाग में जो है कुछ वहाँ पर पुआल वगैरह रखा हुआ था और वो बाजरे की डंठल रखी हुई थी, उसके आड़ में कुछ जो है गोवंश मरे हुए थे। मुझे सूचना दी, तत्काल मैंने जो है क्षेत्राधिकारी को भी सूचना दी, एसओ को मैंने तुरंत भेजा और चिकित्सा विभाग से जो है वो पशु चिकित्सा डिप्टी सीएमओ, डिप्टी सीबीओ और अन्य जो है पूरी टीम वहाँ पर पहुँची। मैं खुद गया था तो वहाँ पर जो सात जो है छोटे छोटे बछड़े थे, बछिया बछड़े थे और एक गाय थी जो है जो वहाँ मरी हुई अवस्था में थी। एक गाय में टैग, कानों में टैग लगा हुआ था, बाद बाकी सब ऐसी स्थिति में थी और उसको देख के स्पष्ट है कि वहाँ की गाय नहीं थी। खबर संभल के बबराला से है, जहां देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में आकस्मिक निधन पर जनक्रांति एकता मंच के पदाधिकारियों ने कैंडल जलाकर 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। जनक्रांति एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि जनरल विपिन रावत का निधन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने अपना एक सच्चा सपूत खो दिया है। मां भारती ने ऐसे वीर सपूतों को अपने दामन में समेट रखा है ताकि इस पवित्र रत्न गर्भा भूमि पर इन जैसे अनेक वीर सपूत हमेशा जन्म लेते रहे। फरीदाबाद के गांव पनहेड़ा खुर्द में जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल के थर्ड डिग्री टॉर्चर से बचने के चक्कर में स्कूल की दूसरी मंजिल से गिर गई, जिससे छात्रा का पैर फ्रैक्चर हो गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई। स्कूल प्रबंधन के क्रूअल रवैये के चलते छात्रा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई है, जिसका अभी अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर शिक्षा विभाग और सीडब्ल्यूसी को भी जानकारी दे दी है। लोगों का कहना है कि 26 नवंबर को हुई घटना में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ये हमारे पास मामला आया था जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसकी तफ्तीश जारी है। उस लड़की के इलाज के कागज से डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लेने लग रहे हैं और आगे तफ्तीश से करके इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उस दिन लंच में राजू सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, फिर उन्होंने गेट लगा लिया। उन्होंने मुझसे रजिस्ट्रार मैम ने पूछा कि तूने किसी को चॉकलेट दी है, हमने मना कर दिया। हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर किया। फिर हमारे मना करने पे उन्होंने मुझे दूसरे ऑफिस में बंद कर दिया। बहुत टाइम 2 पीरियड निकल गए, फिर भी उन्होंने मैं ऑफिस में बंद रखा। फिर रचना मैम और राजू सर आए, उन्होंने हमें ऑफिस में दूसरे ऑफिस में लेके गए। फिर रचना राजू सर ने बोला कि मैम काटोई से, पहले राजू सर ने मारा फिर रचना मैम ने मारा। 26/11 को फ़ोन आया था स्कूल से रचना मैडम का, वन कीजिए ऐसे ऐसे भाई साहब अर्जेंट काम है, एक बार स्कूल आ जाओ। उसके बाद मुझे बिठाया, फिर भी वहाँ टाइम ख़राब किया, बिठाया बाद मैंने कीजिए क्या हो गया, बैठो भाई साहब 2 मिनट, वो गुड़िया आपकी चक्कर खा के गिर गई है,
और उसके हल्की सी मोच आ गई, राजू सर उसे हॉस्पिटल दयालपुर दिखाने के लिए ले गए हैं, और ऐसा करो आप घर चले जाओ और राजू सर उसे दिखा के घर भेज देंगे। मैंने कहा नहीं, एक बार फ़ोन करके तो पता करो कैसी, देखो ज़्यादा चोट तो नहीं है। फिर उन्होंने फ़ोन किया राजू सर पर, राजू ने कहा कि ऐसा है भाई साहब को हॉस्पिटल ही भेज दो। जिस समय हम बल्लभगढ़ हॉस्पिटल में पहुँचे, बेटी की हालत बिल्कुल गंभीर थी, कि ये उम्मीद नहीं थी कि बचेगी या नहीं बचेगी, क्यों बच्ची बेहोश पड़ी थी, उसके पैर लेफ्ट पैर में इतना बुरा हाल था कि खून रुकने का नाम ले रहे थे। हम फिर संकट मोचन हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर से बात करी, उनके डॉक्टर साहब मान के भाई साहब लड़की के तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है और ये पैर तो बिल्कुल काम कर ही नहीं रहा, दूसरे में फ्रैक्चर है। प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एटीएम फ्रॉड करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं आरोपियों के पास से 18 आदत एटीएम कार्ड विभिन्न बैंकों के बरामद हुए हैं। 1 लैपटॉप, 2 डाटा केबल, 1 कार और 2 फर्जी नंबर प्लेट और नगद रुपए बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के ऊपर जिले के विभिन्न स्थानों में पहले से फ्रॉड के कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सीओ लालगंज राम सूरत सोनकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक महोदय के लगातार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु दिशा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुख्य क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में लालगंज में जो टीम गठित की गई थी, थाना प्रभारी लालगंज और उनकी टीम के द्वारा आज सुबह 6 बजे संगम तिराहे के पास से बहुत ही अच्छी कामयाबी मिली है, जो गरीब किसान और एटीएम से पैसा निकाल करके अपनी बहन बेटी की शादी या इलाज के लिए खर्च के लिए निकालते थे पैसा, या छात्र निकालते थे, उनको ये पीछे से स्कैनर मशीन के द्वारा उनके एटीएम का कोड चोरी करके पैसा निकाल लेते थे और निकाल करके यह पैसा ये लोग अपराध में लिप्त रहते थे। अभी यह अपराधी थाना बीकेटी लखनऊ देहात से 2 जुलाई को जेल गए थे। पकड़े गए अपराधियों से 18 एटीएम कार्ड, 1 अदद स्विफ्ट मशीन, 2 डाटा केबल, 1 अदद स्विफ्ट कार। रायबरेली के तहसील सलोन के प्रांगण में युवा अधिवक्ताओं की तरफ से एक बैठक की गई, जिसमें वाद कार्यों को सस्ता, सरल और सुलभ न्याय दिलाए जाने के लिए मंच का गठन किया गया। खास बात यह है कि बैठक में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए संकल्प लिया गया, भ्रष्ट कर्मचारियों को सुधर जाने की नसीहत भी दी गई। इसके अलावा बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र मौर्य को मंच का संरक्षक चुना गया। आज यहाँ पर धरना दिया गया है, यह सलोन तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ पर हर पटल पर बिना पैसा लिए काम नहीं होता है, और पैसा लेने के बाद भी फाइलों को अटकाना, लटकाना, भटकाना और झटक कर फिर इंतजार करवाना, झटक कर कर नहीं देना, अटकाना, कहीं एमआई कमी है, भटकाना, लटकाना और झटक कर। खबर संभल से है, जहां तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल और उनकी पत्नी एवं अन्य जवानों की शहादत पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर खिराजे अकीदत पेश की। बता दें कि गुरुवार देर शाम फलाह ए हयात वेलफेयर सोसाइटी संभल के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर के नेतृत्व में तमाम सोसाइटी के पदाधिकारी नगर पालिका में जमा हुए और फव्वारे पर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आगरा के शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की शहादत के बीच पिनाहट में पूर्व मंत्री अरिंदम सिंह ने जनजागरण बाइक रैली निकाली। शहीद पृथ्वी सिंह चौहान की शहादत को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के सारे कार्यक्रम निरस्त कर परिजनों को सांत्वना दिया और गांव में जनजागरण रैली पर फूल बरसाकर पूर्व मंत्री अरिंदमन सिंह का स्वागत किया गया और कुछ जनजागरण बाइक रैली पर भी निशाना साधा।
फतेहपुर के चौड़गरा कस्बे में आयोजित शोक सभा में मोमबत्ती जलाकर हवाई हादसे में शहीद हुए सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विकास समिति की ओर से सीडीएस और उनके साथ शहीद हुए अफसरों को याद किया गया। युवक विकास समिति के प्रवक्ता आलोक गौड़ ने कहा कि असामयिक दुर्घटना से देश के बहादुर सपूत को खो दिया है। सैन्य अफसरों का देश के प्रति दिए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश होने से सैन्य अफसरों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो निधन हुआ है, आज पूरा देश पीड़ित शोक से शोक संतप्त है और मैं सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति आज यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है हेलीकॉप्टरों द्वारा। आज पूरा देश जिस तरीके से पीड़ा को झेल रहा है, सैन्य अफसरों का साथ साथ देश के प्रथम जनरल सीडीएस जो शहीद हुए हैं उसमें जनरल बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी सहित 11 सैन्य अफसर शहीद हुए हैं, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश के इस शोक से उभरने का साहस ईश्वर उन सब लोगों को प्रदान करें जो उनके परिजन हैं। आज पूरा देश एक ऐसे शोक से शोक में डूबा हुआ है जिसके जो हमारे सैन्य अफसर थे उनके प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और सब लोग। खबर औरैया से है जहां नेशनल हाईवे पर सवारियों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी के पलटने से उसमें सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एम्बुलेंस के जरिए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। थाना अजीत पल के पास लालपुर हाईवे के में आज सुबह एक ड्राइवर को नींद आने की वजह से एक बोलेरो पलट गई जिसमें 6 लोग जो है घायल हुए। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची जिसमें घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी अजीत में लाया गया जिसमें 1 लोगों की स्थिति गंभीर होने की वजह से सेफाई रेफर किया गया। बाकी लोगों को फर्स्ट एड देके जो है आवश्यक। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में कुम्हैया जंगल महाल में विवाहित की हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में खुलासा करते हुए जानकारी दी गई कि विवाहिता अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी लेकिन इसी परेशानी को देखते हुए प्रेमी ने विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। एडिशनल एसपी संजय कुमार ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता कर हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कार देने की घोषणा भी की। देखिए, तिलवा पहाड़ी पड़ती है थाना अरोरा जनपद मिर्जापुर में। दिनांक 4/5 की घटना है ये और 6 तारीख को जंगल में पहाड़ी पड़ती है तो पुलिस को 6/12 को वो शव मिलता है, उसकी शिनाख्त होती है। पुलिस तमाम लोगों के पूछताछ हमारे स्वाट टीम पुलिस उपाधीक्षक मड़िहान और एसओ अरोरा की टीम इस पर कार्यरत होती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया जाता है। तमाम तथ्यों के आधार पर यह संज्ञानित होता है कि उक्त महिला कंवरिया की रहने वाली है थाना अरोरा की और वो अपने ही पड़ोस के गांव के किसी व्यक्ति से उसके प्रेम संबंध हो गए थे। उस प्रेम संबंधों के विवाद में वो व्यक्ति जो है कुछ उससे अपने आप को परेशान महसूस कर रहा था जैसा कि उसने अपनी बयान में स्वीकारोक्ति किया है और उसे पहाड़ी पर बुला करके सुबह 4 से 5 के बीच उसको पहाड़ी पर बुलाया था उस तारीख को 5 तारीख को और वहीं पर उसकी गला दबाकर नाइत्तफाकी की वजह से उसकी हत्या कर दी है। देखिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।